फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरशिप एसोसिएशन ने बताया कि भारत में पिछले 3 महीने के दौरान ऑटोमोबाइल डीलरशिप स्टोर से 2 लाख लोगों की नौकरियों से निकाल दिया गया। और वहीं फाडा की तरफ से संभावना जाहिर की गई है कि अगर ये ट्रेड सुधरा नहीं तो इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ सकती है। और वहीं फाडा के अध्यक्ष ने कहा है कि ऑटो सेक्टर की नौकरियों में छटनी का दौर मई से शुरू हुआ था, जो कि जून जुलाई माह में भी जारी है। उन्होंने मामले में सरकार से तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की बात कही थी। उन्होंने मांग के मुताबिक सरकार को जीएसटी के मंदी से जूझ रही ऑटो इंडस्ट्री को राहत देनी चाहिए। और वहीं उन्होंने बताया कि ज्यादातर नौकरियों की कटौती सेल्स सेक्टर में हुई है, ऐसे में अगर वाहन की बिक्री में गिरावट दौर आगे भी जारी रहता है तो न तो सिर्फ सेल्स बल्कि टेक्निकल जॉब जाने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल कम होने पर सर्विस भी कम हो जाएगी। और वहीं उन्होंने बताया कि देश में करीब 15,000 डीलर्स के 26,000 ऑटोमोबाइल शोरूम है। इसमें करीब 25 लाख लोग सीधे तौर से नौकरी कर रहे हैं, जबकि 25 लोग डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। मतलब कि ऑटोमोबाइल शोरूम देश के करीब 50 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है।